हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको इस टाइम पे गाइस GTA 5 कहां से बाय करना बेस्ट रहेगा, स्टीम स्टोर से या एपिक स्टोर से, दोनों ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको स्टीम स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप स्टीम स्टोर को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है GTA 5, ठीक है। GTA 5 जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ माइनस अभी 25% जो है अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका प्राइस भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। यहीं कुछ दिन पहले यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 952 की ये गेम मिल रही थी, पूरी की पूरी प्रीमियम एडिशन जो है GTA 5 का मिल रहा था। तो उसके साथ बात कर लेते हैं शार्क बंडल, तो ये भी आपको पता ही है, इस पर तो 75% जो है डिस्काउंट चल रहा था, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बट मैं ये कहूँगा उससे अच्छा है कि आप एपिक स्टोर से बाय कर लो, जो कि अभी भी आपको मेरे हिसाब से सस्ता ही पड़ रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, तो यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हो आप, जो है अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट है। इसके साथ जो है हमारे पास एक कूपन भी है, देखते हैं अभी है वो अवेलेबल कि नहीं। तो फाइनली गाइस देख सकते हो कूपन जो है अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। इस टाइम पे आप जेकर एपिक स्टोर से GTA 5 को बाय करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस के मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो इस टाइम पे आप एपिक स्टोर से बाय कर लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपाल कार्ड होना ज़रूरी है। अगर ये आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जो है नहीं ले पाओगे। आप डेबिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो, बट उसके लिए आपको करना क्या है, अपनी इंटरनेशनल पेमेंट को जो है ओन करना पड़ेगा बैंक से, तभी आप जो है इस गेम को बाय कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। चैनल में जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मेक श्योर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।